चलिए भाई तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब बच्चे आ जाओ भाई सारे लोग फटाफट आ जाओ क्वेश्चन का जवाब नहीं देना पहले सारे लोग आ जाओ ठीक है गुड इवनिंग स्नेहा आयुष ठीक है अभी जवाब नहीं देना ठीक है भाई हेलो सर गुड वाली गुड वाली इवनिंग अच्छा ऐसा भी बोला है क्या चलो भाई सबको गुड इवनिंग भाई आ जाइए सारे लोग फटाफट सर केक अकेले खा गए नहीं भाई बहुत सारे लोग थे यार केक अकेले क्यों खाएंगे भाई वैसे भी बहुत ज़्यादा केक मैं खाता नहीं हूँ लेकिन हाँ अच्छा था मज़ा आया खाने में तो मजा आया ही गुड इवनिंग सबको केक चाहिए ऑफलाइन में बिल्कुल गिफ्ट चाहिए पहले उसके बाद केक मिलता है। तो पहले गिफ्ट डन गुड इवनिंग सबको भाई चलिए फटाफट आ जाइए बच्चे तो आज का सेशन शुरू करें फिर हम लोग है ना फटाफट आ जाओ सारे लोग जल्दी-जल्दी आ जाओ गिफ्ट लेके आएंगे सर साथ में बिल्कुल गिफ्ट लेके आएंगे तो केक आपको एकदम साथ में मिलेगा फिर है ना गिफ्ट आएगा तो बिल्कुल केक मिलेगा बाकी गिफ्ट आपको दे, दिया जा चुका है कि भैया 600 में आपको कंबाइंड uh, बैच मिल रहा है मैथ्स और इंग्लिश का तो उसको फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लें है ना उसे कुछ ना कुछ तो आपका बेनिफिट होगा जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चे एग्जाम्स भी आपके शुरू ही होने वाले हैं सारे एग्जाम्स आपके शुरू ही होने वाले हैं ठीक है ठेके? तो बस फटाफट बैच को ज्वाइन करो बाकी गिफ्ट आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए और कुछ किसी को चलिए लोग आते रहेंगे फिर पांचवा क्वेश्चन आ, आ चुका है कोई बात नहीं आप लोग आंसर भी देख रहे होंगे मुझे लग रहा है चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग ठीक है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जल्दी जल्दी सारे लोग जवाब दें बाकी लोग जुड़ते रहेंगे आते रहेंगे लेकिन आप पहले क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करें चलिए फटाफट आ जाओ भाई सारे लोग हैप्पी बर्थडे वंस अगेन थैंक यू सो मच संदीप जी पीछे देख लिया भाई कुछ नहीं पहला क्वेश्चन बताना है आपको कि नंबर में से कौन सा फलों के समग्र सोरोसिस का एक एग्जाम्पल है सिंपल टाइप ऑफ एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट्स बहुत सारे बताए थे हमने तो उसी में से एग्जाम्पल है सोरोसिस एक एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होता है नॉट अ सिंपल फ्रूट इट्स नॉट अ सिंपल एक होता है सिंपल एक होता है एग्रीगेट सिंपल फ्रूट का मतलब है कि जब आपकी बच्चे एक ग्रेन से एक पिस्टल फर्टिलाइज होती तो उसको अपन लोग बोलते हैं सिंपल फ्रूट जो उससे बनता है क्योंकि फर्टिलाइज ओवरी से ही तो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है लेकिन जब एक से ज्यादा ओवरी फर्टिलाइज हो जाती हैं अलग अलग पॉलिन से तो उसको अपन लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स क्लियर है तो इट्स अ टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट सोरोसिस सोरोसिस का मतलब होता है मल्टीपल ओवरी से फ्यूजन होकर जो बना हो पाइन तो नहीं होता है पाइनएप्पल तो बेरीज है सिंपल बेरीज टाइप ऑफ फ्रूट्स है हाँ सॉरी पाइन एप्पल नहीं कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल एक्चुअल में क्या होता है कस्टर्ड एप्पल एक तरीके का आपका बेरी सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट है पाइन एप्पल इज द करेक्ट आंसर है ना जो स्केली लीव्स होती हैं बड़े बड़े होते हैं ना शादियों में जब फ्रूट्स दिया जाता तो बीच में लगाया जाता है उनको तो दैट इज पाइन एप्पल क्लियर है तो पाइन एप्पल बिल्कुल uh, सोरोसिस टाइप का बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी बताया ठीक है ओके ओके चलिए तो जिसने भी बताया बहुत सही जवाब दिया पाइन एपल इज द करेक्ट आंसर इट्स टाइप ऑफ सरोसिस बाकी जितने सब किसके एग्जाम्पल है बच्चे सब सिम्पल टाइप ऑफ uh, बेरीज की एग्जाम्पल है सर हाथ में सबसे पहले कौन विश किया था आपको कौन करेगा कौन करेगा विश सबसे पहले वही किया था सबको पता अंडर स्टूड है ये तो है कि नहीं ये तो अंडर स्टूड है ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव किया जाए लाइक शेयर कर दे रो भाई सर आपको क्या क्या गिफ्ट मिला कुछ नहीं मिला क्या मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं आप लोग बर्थडे से आप लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाई भी कर लो पढ़ने का मन नहीं है क्या <laughs> चलिए जो भी था तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट सारे लोग आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे लोग क्वेश्चन थोड़े से आ, अच्छे हैं डाइवर्स क्वेश्चन है, है। चलिए कौन से पौधों को वॉकिंग फर्न के रूप में जाना जाता है क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है फटाफट जवाब दे दें सारे लोग कि भैया वॉकिंग फर्न किसको कहा जाता है टेरिडोफाइट्स में हमने आपको ये पढ़ाया था क्वेश्चन कि वॉकिंग फर्न बोला जाता है ये मतलब एक तरीके से टिल्ट होता है झुका हुआ होता है इसकी पत्तियाँ पत्तियों को जैसे न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल मिलता है तो जहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है वहीं से ये ग्रो करना शुरू कर जाती है इस वजह से ऐसा रिजेम्बलेंस होता है ऐसा लगता है कि ये ग्रो कर रहा है इट्स मूविंग एक्चुअली इट डजेंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस ठीक है बस उसकी लीव्स क्या हैं ग्रो करनी शुरू कर जाती हैं तो सेकंड का बी लोग बता रहे हैं बी तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चे जिसके जो जो भी बी बता रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल सही है एडियनटम बताया था बहुत बार क्लास में पढ़ाया भी था चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन पढ़ाया था सबको कि भैया एडियंटम होता है एडियंटम होता है झुका हुआ होता है इसकी लीफ को नरिशमेंट मिलता है वहीं से ग्रो करना शुरू कर जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई एडियंटम ठीक है इसका सही जवाब क्या है बी एडियंटम इज द करेक्ट आंसर क्लियर है एडियंटम इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया तो देख लिया जाए भाई जवाब किसने दिया है नाम भी देख लिया जाए सेकंड का भी किसने दिया सबसे पहले भाई नाम देखते हैं सेकंड भाई आयुष झा ने दिया फिर अभिराज पटेल फिर श्रेया सिंह फिर अपर्णा दिशा सत्यम स्नेहा ऋषभ लक्ष्मीकांत तो राहुल बहुत सारे बच्चों ने दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अपन लोग चलते हैं बच्चे ओ जा भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आ चुका है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चे गलत नहीं करना है ध्यान रखना गलत नहीं करना है ध्यान रखिएगा चलिए फटाफट फड़ जवाब दीजिए जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइब्रस रूट जो पाई जाती है वो मोस्टली किसमें पाई जाएगी रूट दो टाइप की बताई थी एक बताई थी टैप रूट एक बताई थी रूट तो एडवेंटिस को अपन लोग क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट भी कहते हैं एडवेंटिस को अपन लोग क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट टैप रूट का मतलब होता है मूसला जड़ और इसका मतलब होता है अपस्थानिक जड़ याद आ रहा है कुछ मोनोकॉड डाइकॉड में क्लियर किया था है कि नहीं तो देखते हैं किसका जवाब सही आता है भाई बिल्कुल जिसका ए ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही है और ए ऑप्शन वाले विशाल जी उपाध्याय मोनोकॉट में पाई जाएगी गुरु आयुष झा का सही है राहुल का सही है अपर्णा का सही है सत्यम सिंह का सही है लक्ष्मीकांत हिमांशु का सही है भैया मोनोकॉट में ही तो बताया था ना एडवेंटीसियस रूट या फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीच पत्री गुरु तो क्लियर जवाब क्या हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर ठीक है भूल गए सारी चीजें एलगी तो बेटा लाइक स्ट्रक्चर -like होता है ना एलगी कैसा होता है इट्स अ लाइक स्ट्रक्चर वो डिफरेंसिएट नहीं होता है रूट स्टेम और लीफ में ठीक है ना और टेरिडोफाइट्स में भी आ, बोल सकते हैं आपके टेरिडोफाइट्स में भी आ, पाई जाती हैं मोनोकॉट्स रूट है ना क्योंकि वो हर्बिशियस हर्बिसियसिसियस प्लांट होते हैं ट्रीज तो ज्यादा होते नहीं है लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट डाइकॉट जब है तो भैया मोनोकॉट ही आंसर लगाना है आपको क्योंकि मोनोकॉड बहुत सारे हैं और डाइकॉड भी बहुत सारे हैं ठीक है पैरेलल वेनेशन जिसमें पाई जाए वेनेशन के साथ उसमें प्रेजेंट होती है चले क्वेश्चन नंबर अरे लक्ष्मीकांत हिमांशु एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा भे छोड़ दे हो सकता है गुरु माता भी देख रही हो आपकी ह एक ही चीज कितनी बार पूछेगा गुरु माता कहां है पटना ही होंगी <laughs> ना भाई चले इज फाउंड इन बुचेरिया कहां पे पाया जाता है ये जवाब देना है आपको जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग भाई वुरिया कहां परछेरिया बैंक ऑफ टाई का नाम सुना है ना बहुत बार पढ़ाया है भैया वुरिया बैंक ऑफ टाई स्केम होता है कहां से बिलोंग करता है ये बताया था ना कहा से बिलोंग करता है स्केलमेंस से एसके या नीमे बोलते हैं इसको यहां से बिलोंग करता है इट्स अ टाइप ऑफ इनवर्टी इसको राउंड बम भी बोला जाता है राउंड बम का मतलब है गोल क्रिमीन की आकार कैसी होती है राउंड होती है मिट्टी में पाए जाते हैं फाइलेरिया रोग का नाम सुना होगा आपने तो फाइलेरिया रोग किसकी वजह से होता है इसी वुचेरिया बैंक की वजह से होता है क्लियर है वुचेरिया के विचोरिया पूरा नाम है वुचेरिया बैंक ठीक है हालांकि मच्छर से फाइलेरिया होता है कुछ लोग सोच रहे होंगे तो मच्छर बेटा वेक्टर है मच्छर बाइट करेगा तो विचेरिया मच्छर के अंदर बैठा है आपके बॉडी में चला जाएगा और हो जाएगा और अटैक करता है ठीक है क्या होता है लिम्फ नोट में लसिका ग्रंथियों में ज्वाइंट्स में पाई जाती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है जिससे कि बहुत ज्यादा हेरसमेंट फील होता है बॉडी में पेन होता है स्वेलिंग आ जाती है गोनाइट्स में है ना तो बिल्कुल सही इसका जो जवाब है लिम्फ नोट्स होंगे लसीिका ग्रंथ इज द करेक्ट आंसर का इज द राइट आंसर क्लियर चलिए क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर मूव करते हैं पल्लू

फीड करने के में हेल्प करती है, है ना शिकार करने में हेल्प करती है एक्चुअल में तो बताया था इसका क्वेश्चन सब, के सब यार. तुम लोग को क्या होगा यार अभी तक सही जवाब आई थिंक किसी का आया नहीं है राहुल कुमार का जवाब सही आया मेरे भाई सिलिंट्रेटा या नाइडेरिया

प्रोटोजोआ पोरीफेरा देन सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया बोल सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सेल जो कि प्रे को कैच करने में हेल्पफुल है ठीक है हाँ लक्ष्मीकांत चल सिक्स क्वेश्चन पे मूव करते हैं बल्लू ठीक है चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पे आ चुका फटाफट जवाब देंगे सारे लोग बताओ

गलत नहीं होना चाहिए ध्यान रखना वीडियोस देखो जाके यार तुम लोग तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता किसी का जवाब नहीं आया सही अभी तक फिर से राहुल कुमार का जवाब सही आया जिंको बाइलोबा पढ़ाया था यार तुम लोग क्या करोगे बाबा जाके देखो वीडियोस जो मेरी छह महीने पहले की यूट्यूब पर उस पर भी पढ़ाया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इस इस, लिविंग इज जिम्नो इस्पम

इस वजह से जिनको अ लिविंग फॉसिल हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है गर, ना नेक्स्ट कर -फट, like क्वेश्चन like करो पहले सारे लोग यार कम से कम आज तो बात सुन लो यारिच ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आई थिंक ये तो आप लोग बता ही दोगे इसमें तो आप लोग गलत नहीं होना चाहिए उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं होगा किसी का ये तो कुछ का गलत नहीं होगा मेरे को ऐसा लग रहा फील हो रहा है को ऐसा। राजा जी पेरियार जिम कॉर्बेट बांदीपुर ये मेरे को पता है कि किसी का गलत नहीं होगा बिल्कुल सही है इंदिरा गांधी के समय में बना था भैया जिम कॉर्बेट इज द करेक्ट आंसर ये तो किसी का नहीं गलत होगा जिम कॉर्बेट इज द करेक्ट आंसर सबका सही है सबका सही है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ऑल द बेस्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्वेश्चन नंबर एट पे क्वेश्चन नंबर एट बता दो भाई बताओ थोड़ा जोग्राफी एन्वायरमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन है तो so, राहुल जी इसीलिए बोल रहा हो ना क्वेश्चन आप लोग करते रहो क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में बच्चे मिलेंगे ठीक है ना सुंदरी के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं सुंदरी से कंफ्यूज मत है इट्स अ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश याद आ रहा कुछ इट्स अ ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना सुंदर के पेड़ एक्चुअल uh, में सुंदर वन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सुंदरी एक पेड़ होता है ठीक है ना एक टाइप ऑफ ट्री एक्चुअल में तो so, सुंदरी के पेड़ uh, बहुत सारे सुंदरवन में मिलते हैं ठीक है सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारे मिलते हैं तो ये आपका ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा है ना बहुत सारा स्पीसीज रिचनेस होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में बहुत स्पीसीज रिचनेस होती है चाहे वो प्लांटेशन की बात करें चाहे वो एनिमल्स की बात करें फ्लोरा एंड फाना दे आर द दे आर द दो दे आर दोज फ्लोरा एंड फाना ठीक है तो ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर बच्चे मूव करते हैं एलिशा टेस्ट आ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ठीक है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन जवाब दे देंगे आप लोग की एलिसा टेस्ट के लिए कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया जाता है एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम एंजाइमलिंग इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि एलिसा जो है वो सिर्फ एड्स के लिए यूज किया था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ एड्स के लिए इसका डिटेक्शन नहीं होता है बहुत सारे ब्लड टेस्ट में एलिसा का जाँच एलिजा के थ्रू जांच को एंटीबॉडीज को पता लगाया जाता है एक्चुअल में एलिजा टेस्ट उन्हीं की चीजों के लिए परफॉर्म किया था जिसके लिए हमें एंटीबॉडीज खोजनी अगर वो एंटीजन आया होगा तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी जरूर बनाई होगी तो एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर लेते हैं हमको पता चल जाता है कि ये रोग हुआ है या नहीं अरे वाह बहुत बढ़िया मैक्सिमम लोगों का जवाब बिल्कुल सही है कि एलिसा टेस्ट के लिए कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया था इट्स अ अः या बी सेवन ऑप्शन ए या ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है बच्चे आपका विटामिन बी सेवन या इसको बोलते हैं क्या विटामिन बी सेवन को क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो इसका साइंटिफिक नेम बता दो देखते हैं किसको याद है सब जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ विटामिन बी सेवन को क्या बोला जाता है हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है बायोलॉजी से रिलेटेड नाम है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी सेवन इज नोन एज वॉट बी ट्वेल्व भी होती है श्रेया सिंह सहांज आपने विकीपीडिया सर्च किया होगा तो बी ट्वेल्व देगा श्रेया सिंह सहज पकड़ी बिल्कुल यूज होता है लेकिन विकीपीडिया पे जैसे आप सर्च करेंगे विटामिन बी ट्वेल्व आता है लेकिन यहाँ पे बी ट्वेल्व ऑप्शन में नहीं है श्रेया इट्स अ बायोटिन लक्ष्मीकांत हिमांसु प्रियंका राज सुधा कुमारी बिल्कुल सही विटामिन बी सेवन को बच्चे क्या बोलते हैं बायोटिन और आपके बालों के लिए आंखों के लिए स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है एक्चुअल में बी सेवन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करना होता है हमें ठीक है कुछ एंटीबॉडीज विटामिन बी सेवन को हम लोग कलर uh, करके डालते हैं कुछ को विदाउट कलर डालते हैं जिससे हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं जिस भी डिजीज के लिए हम कर रहे हैं आपने समझ लिया श्रेया पढ़ाया आपने यार पढ़ाई तो रहे हैं इतने सालों से पता रहता है कि किसका जवाब कहाँ से आ रहा है सब पता चल जाता है अपने को चलिए क्वेश्चन नंबर टेन मूव कर रहे हैं भाई

एक्चुअली एग लेविंग एग लिंग आई थिंक प्रोडोथीरिया प्रोडोथीरिया में आएगा लेकिन उसके अलावा कौन है एक फिश है मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ऐसी फिश जिसकी जो स्पाइन होती है वो कैसी होती है हॉलो होती हैलो स्पाइंस होती हैलो स्पाइन फिश इसमें से कौन सी है अभी जो फिश खा रहे हैं आप उसमें हॉलो स्पाइन नहीं होता लेकिन ये जो फिश है उसमें हॉलो स्पाइन प्रेजेंट होते थे बहुत मिलियन ईयर्स अगो थे और मैक्सिमम लोगों का जवाब गलत भी है कुछ का सही भी है देखिए का ए इज इज द करेक्ट आंसर इट्स अ टाइप ऑफ फिश एक्चुअल में इट्स अ टाइप ऑफ फिश जो अभी भी जिंदा है समुद्रों में पाई जाती है महासागरों में पाई जाती है और एक्चुअल में इसके जो स्पाइन इस हैं वो बड़े हॉलो टाइप के होते हैं खोखले होते हैं इनके बीच में जगह होती है ठीक है हाँ, जो आंट्स खाता है, है? है। ठीक वो वो भी आपका एक प्रकार का लिविंग है। इसके अलावा अगर पूछा जाए, में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? की जो थी, उनसे इनका फीचर्स बहुत मैच करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे क्वेश्चन नंबर इलेवन पे बच्चे मूव करते हैं पल्लू ठीक है चल जा हाँ ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया और अभी अभी बीच बीच में डिस्कस भी ये क्वेश्चन हुआ था कि किस अवधि को भयचरो के काल के रूप में अपन लोग कहते हैं विच इरा इज नोन एज द एज ऑफ एम जल्दी से बताओ हम्म hmm. कुछ का सही भी आ रहा है कुछ का गलत भी आ रहा है कुछ लोगों को पेलियोजोइ लग रहा हो तो पेलियो इट्स अ बिग पेलियोजोइक के अंदर आता है कार्बोनी फेरस इट्स अ टाइप फोर फोर स्टेज में आई थिंक पेलियोजोइक में आप जाएंगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें इरा होते हैं तो कार्बोनी फेरस भी उसमें आता है कार्बोनी फेरस का नाम पड़ा है कार्बन से रिलेटेड है ठीक है इस ईरा में कार्बन से डिपोजिट होने से चीजें बन रही थी तो कार्बोनी फेरस एक्चुअल में क्यों बोला था रिगार्डेड एज एज ऑफ एम्फीबियन क्योंकि कार्बोनी फेरस जो पीरियड था ना वो एक्चुअल में इट्स अ कॉन्स्टेंट पीरियड जिसमें बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं थे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस नहीं था इस एज में क्लाइमेटिक फैक्टर सालों तक एक समान बना रहता था बात समझ रहे कार्बोनीफेरस पीरियड में बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी बहुत ज्यादा टेपरेचर इन्वर्जन नहीं होते थे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस नहीं था इस वजह से दैट इज नोन एज रिगार्डेड एज वॉट दर्बोनीफेरस दैट इज द करेक्ट आंसर अब पेलियोजोइक के अंदर आता है कार्बोनीफेरस पीरियड ठीक है जोरेसिक पीरियड आप सबको पता ही है रेप्टाइल्स वगैरह ये तो अभी के पीरियड्स में बहुत ज्यादा पुराने नहीं है लेकिन कार्बोनीफेरस पीरियड जो है इट्स पेलियोजोईक एक्चुअल में इट्स ओल्ड ठीक है पेलियोजोइक के अंदर आता है कार्बोनिफेरस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे बच्चे मूव करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरो के रूप में कार्य नहीं करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर आलोक सिंह मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं भाई अलाहाबाद यूनिवर्सिटी इट्स ईस्टर्न ऑक्सफोर्ड एक्चुअली उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता था, था ठीक है श्रेया सिंह सांझ के इसमें भी गूगल किया मैंने आ, नहीं पता बच्चे श्रेया सिंह सांझ इसका पता नहीं है आपका शायद ईगो हर्ट हो गया है कोई बात नहीं लेकिन उस बार तुमने गूगल किया था इस बार का मुझे पता नहीं शायद किया हो चलिए तो इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है देखते हैं किसका जवाब सही आता है डोपामाइन ये तो पढ़ाया ही था यार न्यूरो ट्रांसमीटर सोने में ड्रीम को रिटेन करने में मददगार थे क्या हद है। भी रिलेटेड हो जाएगा हार्ट से क्यूट इज दर सिक्रेटेड बाई विच इज सिक्रेटेड बाय विच क्लैंड एड्रीनल क्लैंडक् तो एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रिन इज दर ऑफ एड्रीनलिनलिन तो ये भी ब्रेन को सिग्नल देने का काम करता है एड्रीनलिन आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है नॉन एड्रन आता है दिमाग काम करना चालू कर देता है लेकिन कॉर्टिसोल जो है ये न्यूरो ट्रांसमीटर का काम बिल्कुल नहीं करता एंड कॉर्टिसोल को अपन लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन या तनाव वाला हार्मोन ये जब आएगा तनाव हो जाएगा क्लियर है बहुत ज्यादा तनाव मरें डिप्रेस्ड हो जाएंगे आप तो डी इज द करेक्ट आंसर ट्वेल्व का डी इज द करेक्ट आंसर फिफ्टीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर थर्टीन बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई कि मस्तिष्क में जो लिक्विड पाया जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं द फ्लूइड विच फाउंड इनसाइड द ब्रेन इज नोन एज व्हाट लक्ष्मीकांत तो पीछे ही पड़ गया है मेरे कुछ दिनों में गुरुजी को भी होगा क्या होगा मुझे स्ट्रेस क्यों होगा स्ट्रेस वाला ऐसा कुछ सीन होता तो हम करते ही ना अभी ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है फाइन ठीक चले मेन इंजेज तो लेयर होती है यार मेन इट्स अ लेयर विच फाउंड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ब्रेन लेकिन ग्रे मैटर ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड पाया मैटर का नाम सुना है मेन जिससे बना होता है तो जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग मैटर के नाम से जानते हैं ध्यान रखिएगा इट्स अ मैटर नॉट अ मेन क्लियर है इट्स सिंड्रेला पल्लवी का सही दिख रहा था मुझे बाकी लक्ष्मीकांत गलत गलत कर के फिर सही कर रहा है लक्ष्मी चाची बन रहा कब से चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग लक्ष्मी दीदी लक्ष्मी दीदी पढ़ाई पे ध्यान दें चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कृत्रिम संश्लेषित विटामिन कौन सा है फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज विटामिन बताना है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से आई थिंक इक्वस असाइनस बोला जाता है बच्चे इक्वस असाइनस इक्वस कैबलस दो होते हैं एक घोड़ा एक गधा अब इसमें से मुझे एक्चुअल आई एम नॉट कन्फर्म कि इक्वस कैबलस गधे को बोला जाता है या असाइनस एक बार चेक कर लेना उसको इक्वस होता है जीनस में ये पता है और असाइनस ही होता होगा या कैबलस चलिए 14 का uh, पहला कृत्रिम जो विटामिन 1933 से 1935 में इसका पीरियड चलता है एंड विटामिन सी इज द करेक्ट एंसर जो कि सबसे पहले हमने लैब में सिंथेसाइज किया दैट इज विम ऑफ विटामिन एसिड एंड इज वॉट जल्दी से बताओ स्कर्बी क्लियर चलिए आज लास्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बच्चे आज के लास्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं अपन लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग और देखते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उच्च मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है समझ लो उच्च मानसिक गतिविधियों का मतलब थोड़ा सा रीजनिंग थोड़ा सा थिंकिंग थोड़ा सा मेमोरी जो कंट्रोल करता तुम हो तुम लोग नहीं सुधरोगे सिर्फ फ्रंटल में ही कहा जा रहा मोटर एक्शन थोड़ा ना पूछा कदा मोटर एक्शन पूछा होता तो फ्रंटल बताता ना उच्च मानसिक गतिविधियां दैट इज रीजनिंग दैट इज थिंकिंग दैट इज मेमोरीज गयो अच्छा इसमें सेरिब्रम ऑप्शन में नहीं है ओके चलो एक ऑप्शन और देते हैं यहां ई ई ऑप्शन में हम लोग लिखते हैं सेरिब्रम आप बताओ पांच ऑप्शन है आपके पास सेरिब्रम भी आ गया आप बताओ क्योंकि फ्रंटल को आप उच्च मानसिक गतिविधियां हालांकि देखिए ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है लगाने का तो आप लोग लगा सकते हैं लेकिन इट्स नॉट ट्रू आंसर इसलिए पांचवा ऑप्शन हमने बता दिया सेरिब्रम सिर्फ मोटर एक्शन होता तो आप लोग लगा सकते थे उसको ठीक है उच्च मानसिक गतिविधियों का मतलब होता है जिसमें रीजनिंग भी आ जाए जिसमें मेमोरीज भी आ जाए जिसमें सारी चीजें स्टोर हो जाए सब तो उच्च मानसिक गतिविधियां एंड एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ हाई मेंटेलिटी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम एक्चुअली टेम्पोरल फ्रंटल ठीक है एंड इट इज द हिंड ब्रेन सेरिबुलम एंड मेड्यूला क्लियर है अब ऑप्शन क्या लगाएंगे आप सेरिब्रम इज द करेक्ट आंसर सेरिब्रम से ही सारी चीजें रिलेटेड होती हैं ध्यान रखिएगा पहले ऑप्शन सेरिब्रम खोजना है नहीं है तो फ्रंटल और टेम्पोरल पे आप जो भी है टेम्पोरल तो हालांकि हियरिंग एक्शंस को कंट्रोल करता है तो आप फ्रंटल पे जाइएगा क्लियर है अब आपको सेरिब्रम ही लगाना है छोटा दिमाग सेरिबेलम होता है मेरे भाई सेरिबेलम और उसी लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि सेरिबेलम है या सेरिब्रम है ठीक है तो सेरिब्रम ऑप्शन सेरिबेलम इट्स हिंड ब्रेन एक्चुअली इट्स अ बैलेंसिंग ऑर्गन क्लियर है तो आज का सेशन uh, यहीं भी वजह समाप्त होता है तो कैसा लगा आपको सेशन मजा आया सारे लोगों को कि नहीं हरी लाल में है क्या सर बिल्कुल जब किया जाएगा लक्ष्मी तो बताया जाएगा ठीक है टेंशन नहीं लेना भाई थैंक यू सो मच प्रियंका जी चलिए तो बस आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन लोग मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए बाय। टेक केयर एंड गुड नाइट